जिंदाबाद 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 भीम सेना जिंदाबाद 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 राजधानी भोपाल में नए आयाम को जन्म दे रहे हैं। अब हम 15% नहीं, 7.5% नहीं, 52% नहीं, लेकिन हम लोग आज 85% है। 85% एक आवाज है। हम इस बहुजन समाज के मूल निवासी हैं, जो अपने आप अधिकार और अपने मुकाम को पाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि हमको अपने हक के लिए, अपने मजबूत के लिए, अपने आर्थिक क्रांति की ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि हमको लेने वाला समाज नहीं, देने वाला समाज बनना है। वो समाज जो मजदूर के रूप में हमको पहचाना जाता है, लेकिन आज हम लोग 85 के संख्या में हैं। आज हम मजदूर नहीं, आज हम मजबूर भी नहीं है, हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं और हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। हम आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर इस बहुजन समाज के मूल निवासी साथियों के माध्यम से मैं एक ही बात कहूंगा, एससी एसटी और ओबीसी का जो संयुक्त मोर्चा है उसमें हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको हमको 52% प्राप्त करना है। उनको भी एक स्थान दिलाना है, एक मुकाम दिलाना है। और जिस हिसाब से एससी एसटी एक्ट लागू किया है उस एससी एसटी एक्ट को और मजबूत लाते हुए हमारे गाँव में, हमारे दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनको समानता का अधिकार दिलाना है, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपसे आह्वान करूंगा कि आप लोग एकजुट होकर इस प्रदेश के अंदर इस सवर्ण लोगों को जो अपने मनमानी और अपना एक छत्र राज चला रहे हैं उनको दूर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान करता हूँ। जय भीम जय भारत। ये ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का ये महाधिवेशन भोपाल में संपन्न हो रहा है। ये संयुक्त मोर्चा सवर्ण समाज सपाक्स द्वारा लगातार आरक्षण के विरोध में किए जा रहे आंदोलन और वर्तमान में एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कराने, उनके प्रावधानों को बदलवाने के लिए जो लगातार आंदोलन किया जा रहा है उसके विरोध में, और जो आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी एसटी है उसको संपूर्ण अधिकार जो संविधान में बताए गए हैं वो मिलें, इसके लिए ये महासम्मेलन है। हमारा एक और कहना है सवर्ण समाज और सपाक्स लोगों से, उन्होंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हम जो आरक्षित वर्ग है और आरक्षण का समर्थन देने वाले जो प्रत्याशी आएंगे आगे लोकसभा विधानसभा या अन्य चुनावों में, हम उनके प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, प्रजातंत्र में ऐसे निर्णय उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो हमें भी अपने प्रतिनिधि और लोकसभा और विधानसभा में भेजना है, तो हम लोगों ने भी मजबूरी बस ये निर्णय लिया है कि अब ओबीसी एससी और एसटी समाज सवर्ण समाज के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो। इसलिए उन्होंने खुद एक विभाजक रेखा समाज में खींचने का काम किया है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात अंत का समाप्त करना चाहूँगा कि पछताओगे हो दिल की बस्ती उजाड़ कर, ये वो बस्ती नहीं है कि जो दोबारा बस सके। ये दिल की बस्ती को उजाड़ने का काम सवर्ण और सपाक्स समाज कर रहा है। ये एक बार यदि दूरियां बढ़ गईं तो ये दूरियां खतरनाक होंगी, इस प्रकार के कदम उनको नहीं उठाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि एसएस की ओबीसी की जो एकता है वो बनती जा रही है और इसका प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये सभी आरक्षित वर्ग है उसके आरक्षण पर हमला है। सभी राजनीतिक दल चुप्पियां साधे हुए हैं क्योंकि उनमें सवर्ण समाज का वर्चस्व है,
उनका केंद्रीय नेतृत्व तो सवर्ण समाज का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल चुप्पियां साधे हुए हैं और इन चुप्पियों को हम लोग माकूल जवाब चुनावों में देंगे। स्वर्ण समाज का कहना है कि आरक्षण हमें समाप्त नहीं करना है बल्कि आरक्षण जो है उसे जाति, आप देखिए उज्जैन में करणी सेना ने प्रस्ताव पारित किया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। उन्होंने कहा अभी कल जो उज्जैन में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ, इसमें जो उनके कौन बाबू जी हैं, नागर जी हैं, उन नागर जी संत सहित सब लोगों ने कहा कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आर्थिक आधार पर करेंगे आरक्षण। इसका समर्थन करते हैं ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है, संविधान में इस तरह आर्थिक आधार पर आरक्षण, आपको याद होना चाहिए कि नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने 10% सवर्णों को आरक्षण लागू किया था और वो आरक्षण कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही जब संविधान में नहीं है तो आप कैसे लागू कर सकते हैं? संविधान तो ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो क्या, सुप्रीम की क्या क्या उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट का बताइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि जांच के बाद ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए दो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइंडिंग दिया, उसके बाद विधायिका कानून बनाने के मामलों में, देश का शासन संचालित करने के मामले में सर्वोपरि होती है और विधायिका ने निर्णय लिया कि हम जैसा कानून था, समाज में इन वर्गों के साथ अत्याचार होता है इसलिए इस कानून के प्रावधान को यथावत रहना चाहिए, इसलिए उसने पुनः संशोधित किया कानून को और जैसा पहले कानून था उसी तरह का कानून फिर यथावत कर दिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा में आदेश सुनाता है और कार्यपालिका अपनी सीमा में उसका संशोधन करती है। सर, क्या आप एससीएसटी एक्ट का समर्थन करते हैं? ये सम्मेलन जी, ये जो सम्मेलन है क्या वो एससीएसटी एक्ट का समर्थन करता है? पूरी तरह से, पूरे खुले मन से समर्थन करता है। हजारों सालों से दमित, शोषित और पीड़ित समाज की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये कानून है, इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ओबीसी के लोग चट्टान की तरह सीना अड़ा करके उनके सामने खड़े हुए, हम पूरे वार झेलेंगे, कहीं नहीं कोई बदलाव नहीं होने देंगे। इस सम्मेलन का क्या संदेश होगा? सम्मेलन का संदेश ये है कि सभी आरक्षित वर्ग एक हो, संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए वो पूरे अधिकार हमें मिलने चाहिए और जो हमारा इसमें विरोध करता है उसको लोकसभा विधानसभा में हरा करके उनकी सीमा बता देनी है हमें। आज का हमारा जो सम्मेलन रखा है वो हमारा एकमात्र हमारा संदेश है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी एससीएसटी एक हो चुका है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, जो भी ओबीसी के जो आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए एससीएसटी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, यदि एससीएसटी की कहीं बात आती है तो ओबीसी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हम दोनों की एकता थी, है और रहेगी, यही हमारा मैसेज आज का। दोस्तों, आज भोपाल में हम लोग हैं और भोपाल में आप देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग एससीएसटी जो लोग हैं सभी संयुक्त मोर्चा में यहाँ पर शामिल हैं और यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग की मांगे हैं, एससी वर्ग की मांगे हैं, एसटी वर्ग की मांगे हैं, वो संयुक्त तौर पर यहाँ पर मांगे सरकार के प्रति रखी जा रही हैं और बहुत बड़ा आंदोलन ये भोपाल में मेरे ख्याल से हो रहा है। सर जी, क्या कहना चाहते हैं कि इस महासम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ओबीसी और एससी एसटी के लोगों का ये मध्य प्रदेश में पहली बार प्रयोग है और हम पूरे आरक्षित समाज के लोग जो देश में 85% रहते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 90% से ज़्यादा है, हम लोग पूरे के पूरे लोग एससी एसटी एक्ट के समर्थन में हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो रोक दिया गया है उसको पुनः वापस कराने के समर्थन में है। उसके साथ साथ इस देश के अंदर आज़ादी के लगभग 70 साल बाद इस देश में संविधान जलाने का काम किया जा रहा है। जो विदेशी लोग हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो सपाक्ष के लोग हैं, वो इस देश में संविधान जलाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं इस देश की सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और जो प्रतिनिधित्व और जो आरक्षण है वो किसी के बाप के द्वारा दी गई खैरात नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। ओबीसी का जहाँ तक मामला है, ओबीसी सपाक्ष के साथ बिल्कुल नहीं है, ओबीसी पूरी तरह से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ है और हम एससी एसटी के साथ मिलके और अब ओबीसी का 52% हिस्सा अधिकार
चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे नौकरियों में, ये सब पूरा लेने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हिस्सा लेने का काम करेंगे, मीडिया और निजी क्षेत्र में हिस्सा लेने का काम करेंगे, ओबीसी में जो क्रिमिनलर लगाया उस क्रिमिनलर को समाप्त करने का काम करेंगे। और हम देश के 85% मूल निवासी समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग, द्रविड़ समाज के लोग, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की विचारधारा पर आगे चल के पुनः इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे और तथागत महामानव का सपना पूरा करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन और ये संगठन का निर्माण किया है। जी सर जी, ये पहली बार है इतिहास में भोपाल के कि इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है SC ST OBC के संयुक्त तत्वावधान में। ओबीसी वर्ग जो है 52% इस देश में, और आज तक जो सवर्ण समाज का जो वर्चस्व चल रहा है वो ओबीसी वर्ग के अंधभक्ति के वजह से ही चल रहा था। तो क्या आप, हम ये मान ले कि इस सम्मेलन के बाद देश में SC ST OBC जो है वो संयुक्त तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो रहा है? आर्यों के आगमन के बाद उन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को धार्मिक आधार पर गुलाम बनाया है, और उस धार्मिक आज़ादी में सबसे बड़ा गुलाम बना है वो हमारा ओबीसी का भाई बना है। अब हम SC ST के साथ मिलकर और हजारों ओबीसी के जो संगठन है ये सब एक साथ मिलकर हमारे भाई जो ओबीसी धार्मिक रूप से जो दुश्मनों के शिकंजे में है उसको निकालने का काम वहाँ से कर रहे हैं, और तथागत महामानव गौतम बुद्धा की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू महाराज की विचारधारा, जीजा माए बाई की विचारधारा, हमारे आरक्षण के जनक राष्ट्रपिता, आरक्षण के जनक राजर्षि साहू जी महाराज की विचारधारा, पेरियर ईबी रामास्वामी नायकर की विचारधारा, बिरसा मुंडा की विचारधारा, संत गाडगे की विचारधारा, रानी अवंतीबाई लोधी की विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो उनके लिए आगे बढ़ाने का काम किया, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि की सभी की विचारधारा को साथ में लेके हम लोग इस देश को पुनः आरक्षित समाज के लोग इकट्ठे होके इस मध्य प्रदेश और देश में नीला झंडा लहराएंगे और गोंडवाना लैंड इस देश को बनाएंगे, तथागत महामानव गौतम बुद्ध का सपना पूरा करेंगे। आरक्षण का ज़्यादातर विरोध होता रहा है सर, और सवर्ण समाज के ओर से ये विरोध लगातार चलता रहा है, और ये तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या ये सम्मेलन इस बात को मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आर्थिक आधार पर जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं वो निरा मूर्ख हैं, उनमें दो कौड़ी की अक्ल नहीं है। ये जाति, ये लोग, ये 5000 साल से इस देश में लोगों के साथ भेदभाव जो हुआ है वो जाति के आधार पर हुआ है। ऊंच नीच और छुआछूत का जो भेदभाव हुआ है वो गरीबी अमीरी के आधार पर नहीं हुआ है। और जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व सभी जातियों के और सभी वर्गों के हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए जो आरक्षण और प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसका अर्थ से कोई संबंध नहीं है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की मांग करते हैं वो लोग मूर्ख हैं, उनको लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। क्या कोई आरक्षण की सीमा होनी चाहिए? आरक्षण की कोई सीमा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र 100% होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अंत में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, SC ST Act पर भी बहुत बड़ा बवाल हमारे देश में खड़ा हो रहा है, तो क्या ये सम्मेलन SC ST Act के समर्थन में है, विरोध में है, और है तो क्या कहना चाहता है आज ये सम्मेलन? SC ST Act का जो बनाया गया है वो हमारे भाइयों को 5000 साल से उनको इतना परेशान किया गया, उतना पीड़ित किया गया, छुआछूत दिया गया, वो वर्तमान समय में भी ये संविधान लागू होने के बाद भी हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिल रहा है। हजारों बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, उनको बारात घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं निकाले, पानी पीने की व्यवस्था उनको नहीं है, उनके तालाब में उनके कुओं में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हजारों केस तथाकथित आज़ादी के बाद आज 70 सालों में रोज ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए SC ST Act अपने आप में बिल्कुल सही एक्ट है। ये संगठन और हम लोग पूरे लोग मिलके, ओबीसी समाज, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मिलके SC ST Act का पूरा समर्थन करते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का पूरा समर्थन करते हैं, और ओबीसी SC ST को जो संवैधानिक अधिकार जो मिले हैं उन सभी अधिकारों का समर्थन करते हैं, और ओबीसी समाज को जो अधिकार मिलना अभी बाकी है हम सब लोग 85% लोग मिलके हमारे ओबीसी समाज को संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में भागीदारी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि SC ST Act में जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी या जांच के बिना कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हाल ही में बयान आया है मुख्यमंत्री का। देखिए, इस देश का संविधान सर्वोपरि है, इवन मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये संविधान से ऊपर नहीं है। इनका काम है संविधान में जो लिखा गया है उस लिखे गए को पालन कराना, इनका काम है, ना कि किसी तरह का कोई आदेश देना इनका काम है।
चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हो, इनका काम है देश को संविधान पे चलाना, ना कि संविधान की व्याख्या करना और संविधान के बनाए हुए नियम को बदलना इनका काम नहीं है। इसलिए संविधान सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है, प्रतिनिधित्व सर्वोपरि है। हम इनकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। सम्मेलन क्या संदेश देना चाहेगा? सम्मेलन का एक ही संदेश है, 85% इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, वो मूल निवासी लोग लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, संविधान को बचाएंगे, 100% आरक्षण लागू करेंगे। SC ST एक्ट और हमारे जितने भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है और आरक्षण है, जितने भी हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार का मामला हो, किसान की आत्महत्या का मामला हो, नौजवानों के रोजगार का मामला हो, इन सभी मुद्दों को हमारे भीम के सिपाही, बिरसा मुंडा के सिपाही, तथागत महामानव गौतम बुद्धा के सिपाही इस देश और प्रदेश में अपना सत्ता स्थापित करने के बाद बाबा साहब के सच्चे संविधान को लागू करेंगे और इस देश को पुनः तथागत महामानव गौतम बुद्धा की विचारधारा से इस देश को चलाएंगे, ऐसा उद्देश्य इस कार्यक्रम और इस संगठन का है। 2019 की जो तैयारी है वो हमने किस तरह से करनी चाहिए? हम लोगों ने सीधा एक फार्मूला बनाया है कि जो व्यक्ति बाबा साहब का विरोध करता है, ज्योतिबा फूले का विरोध करता है, तथागत महामानव का विरोध करता है, बिरसा मुंडा का विरोध करता है, हमारे सभी महापुरुषों का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है, आरक्षण का विरोध करता है, SC ST एक्ट का विरोध करता है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का विरोध करता है, OBC को उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देने का विरोध करता है, आरक्षण का जो विरोध करता है, ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति को 85% समाज ना विधानसभा में और ना आगामी लोकसभा में ये वोट नहीं डालेंगे। हम लोग इस देश के अंदर ब्राह्मण मुक्त, सामान्य मुक्त विधानसभा और ब्राह्मण मुक्त लोकसभा का निर्माण इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे महासम्मेलन हो रहा है और ये बहुत बड़ा महासम्मेलन है भोपाल की धरती पर, भोपाल के इतिहास में पहली बार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के नाम से ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन जो है एक निर्देश दे रहा है, एक दिशा दे रहा है पिछड़ा वर्ग को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि आज के बाद, इसके बाद जो भी बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों का विरोध करता है, उनकी विचारधारा का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है, आरक्षण का विरोध करता है, SC ST एक्ट का विरोध करता है, उनको हम 2019 में वोट नहीं देंगे और ये जो देश है ये ब्राह्मण मुक्त देश बनाएंगे, ऐसा अभी आपने बयान सुना है। तो मुझे लगता है कि ये जो सम्मेलन है ये देश की राजनीति में एक नई करवट बदलने की राह में इसका एक पहला कदम यहाँ पर भोपाल की धरती पर पड़ चुका है। आप देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का संयुक्त महासम्मेलन है जो कई मांगों के साथ यहाँ पर आज विशाल रूप में स्थापित है। इतिहास में पहली बार ऐसा होकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन आरक्षित वर्ग के लोग आज एक बैनर में पहली बार पूरा देश में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरा देश में पहली बार ही जमा हुए हैं और इसका रिजल्ट, इसका मकसद आज नहीं कल सामने आएगा। हम क्या क्या उद्देश्य लेकर के सम्मेलन हैं? सबसे पहले OBC समाज को हमको 52% आरक्षण दिलवाना है, आदिवासी समाज को 20% मध्य प्रदेश में आरक्षण मिलना है, 16% हमारे दलित समाज के लोगों को आरक्षण मिलना है और तीनों मिलाकर हमको देश में एक नई रणनीति बनाना है। जी सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आरक्षण का बहुत विरोध हो रहा है हमारे देश में और ये बताया जा रहा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा 5000 साल तक हमारे ये इन लोगों ने हमको शोषण किया और आज यदि हमको हमारे लोग IAS IPS बन भी रहे तो भी उनका शोषण हो रहा है, तो ये इसलिए कभी नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाहते हैं, SC ST एक्ट की बात भी बहुत होती है और उसका विरोध भी होता है, तो SC ST एक्ट का समर्थन क्या है, सम्मेलन कर रहा है? समर्थन कर रहा है, ये एक्ट स्पेशल एक्ट है, इतनी एट्रोसिटीज हो रही है जिसे ये फर्ज
फर्जी कहते हैं कि फर्जी रिपोर्ट दर्ज हो रही है, वो फर्जी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कराने में आदमी परेशान हो जाता है, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गवाहों को तोड़ लिया जाता है और उस बेस पे अगर छूट जाता है तो बोलते हैं फर्जी है, ऐसा नहीं है। और डर क्यों रहे हैं? जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा? ऐसा थोड़ी कि किसी समुदाय के हम विरोध में है, जो अपराध करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी और कानून के हिसाब से ही भुगतनी पड़ेगी। और देश संविधान के हिसाब से चलता है, अपने मनमाना किसी के हिसाब से नहीं चलेगा कि किसी ने ताना सहा के कोई बोल देगा। जी सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, नहीं आपसे एक सवाल पूछना, तो बाद में आपकी तरफ आऊँगा। ये जो विरोध हो रहा है और जो SST OBC के खिलाफ जो साजिशें चल रही है देश में, राजनीतिक साजिशें, इसका जवाब हम राजनीति से ही दे सकते हैं? तो ये 2019 में क्या एकता देख पाएंगे वोटों के जरिए? ये हमारी कोशिश है, हम समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा आप सुन रहे होंगे कि सपाक्स में कोई साहू जी हैं जो पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल हैं। ये इस मंच से यही मैसेज जाना जा रहा है SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो सब एक हैं। हमारा वोट उनका राज अभी तक हो गया, अब नहीं चलेगा। अगर जनता जागृत हो गई है और हो रही है, देख रहे हैं आप इस भीड़ से जरिए देख रहे हैं और पूरे देश में देख रहे हैं, जो मेन मीडिया है वो दिखाता नहीं है इन चीज़ों को। आज दिखाए 10 लोग खड़े होते उनको भीड़ दिखाते हैं, हमारे लाखों लोग खड़े होते उनको भीड़ नहीं दिखाती है। तो हम इकट्ठे हो रहे हैं और 18-19 में इसका रिजल्ट आएगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे भाइयों को भूलना नहीं चाहिए, ईवीएम पे नज़र रखें। ईवीएम से जीतते हैं लोग, ईवीएम से अगर नहीं होगा तो हम ही जीतेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई सर? क्या कहना चाहते हैं आज के इस सम्मेलन को देखकर? आज हम सारे OBC SC ST समाज जो है संगठित है और हमेशा संकल्प लेते हैं कि हमेशा संगठित रहेंगे, चुनाव हो या कोई भी दिशा निर्देश हमारे द्वारा जारी होंगे, हम सब संगठित हैं। लेकिन आज तक जो हमने देखा है देश में, जो सवर्ण समाज राज कर रहा है, वो 52% OBC और जो SC ST के जो अज्ञानी लोग हैं, जिनके अज्ञानता का इन्होंने अपना हथियार बना लिया और उनके बदौलत राज करते रहे, क्या ये समाप्त होगा आपको लगता है? आशा है, उम्मीद है कि हम समाप्त करेंगे इसको। आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे और OBC SC ST का वर्ग जो है बिल्कुल बहिष्कार करेगा आने वाले समय में, ऐसी हम मेरे को आशा है। जो आडंबर का तिलस्म है वो टूटता आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉब बताता है कि यहाँ पर किस तरीके की मानसिकता को जो है प्रतिपादित किया जा रहा है। संविधान की ऋचाओं का पालन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। हर एक बंदे से आप पूछेंगे उसकी आवाज़ यही होगी कि संविधान का पालन हो। संविधान के पालन करने में 70 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष में जो संविधान की जो ऋचाओं के मुताबिक हमारे मूल निवासी समाज को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। लेकिन BJP तो कहती है सर हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। मैं राजनीति करने वाले लोगों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो आज़ाद हैं जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो, लेकिन उनको सबको सबक मिलेगा। यहाँ पर शिवराज सिंह जी जो है मुख्यमंत्री जी है, उनका बयान फिलहाल आया था कि जो SC ST एक्ट है उसमें जांच के बिना गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होगी, अभी हाल ही का बयान है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत विचित्र बात उन्होंने कर दी है, जबकि जो संसद सबसे बड़ा सदन है वहाँ पर उस पूरे के पूरे मुद्दे को जो है पारित किया गया सर्वानुमति से, उसके बाद जो है इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करके उन्होंने जिस तरीके की बात की है, जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं वो शोभायमान नहीं होती उनके लिए। न्यायपालिका जो है वो हमारे देश में इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो महत्वपूर्ण जज है वो बाहर आकर बोलते हैं कि न्यायपालिका को खतरा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? न्यायपालिका का जहाँ तक सवाल है तो इतिहास गवाह है, आप RTI के तहत प्रश्न लगा के देखिए कि SC ST OBC के सैकड़ों जजों को मध्य प्रदेश में उनकी CR बिगाड़ के निकाल के बाहर कर दिया गया है और उनके केसों को बरसों बरस लंबित किया जाता है और तब तक निर्णय नहीं किया जाता है जब तक वो मर ना जाएं। और न्यायपालिका के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये भी एट्रोसिटी एक्ट के विरुद्ध में ये जो निर्णय देने वाले न्यायाधीश हैं, ये पहले अपनी न्यायपालिका में क्या हो रहा है पहले अपना घर दुरुस्त करें, तो इनके ऊपर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लगता है। यस SC ST एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ।
SC ST एक्ट का बहुत विरोध हुआ हमारे देश में सवर्णों की ओर से, और ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं एक बात और इससे जोड़ देना चाहता हूँ, 2016 में मेरे ख्याल से 5 जजों की बेंच ने इसको कड़ा करने का आदेश दिया था, और 2 जजों की बेंच ने फिर इसको 20 मार्च की बात है 20 मार्च 2018 में इसको निरस्त कर दिया, यानी कमज़ोर कर दिया। तो 5 जजों की बेंच इसको कड़ा करने के लिए बोलती है, फिर 2 जजों की बेंच जो है उसको कमज़ोर करती है, ये क्या मामला है? ये तो वही मनवादी लोग हैं जो वहाँ जा कर के बैठे हैं, तो वो तो हमारे विरोध में बोलेंगे ही। और इसकी जो बैकबोन है, ये पूरे देश में जो बवाल मच रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण का के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। ये मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि ये वही न्यायपालिका है जो सैकड़ों न्यायाधीशों को SC ST OBC के बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, और आज तक उनके केस बरसों से लंबित हैं। तो हम इनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, और ये इसके पीछे जड़ में न्यायपालिका ही है, और हमारे SC ST के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और आज तक आपका कहना यह है कि न्यायपालिका भी अभी निष्पक्ष नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देखिए, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में आज तक सैकड़ों केस SC ST OBC के आज तक लंबित हैं। क्यों लंबित है जजों के, SC ST OBC के जजों के केस क्यों लंबित हैं? आप समय सीमा में क्यों उनका निराकरण नहीं करते हैं? इसलिए हम कभी निष्पक्ष नहीं कह सकते। यस, ओके जय भीम, क्या कहना चाहते हैं आज सम्मेलन के माध्यम से? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आज है ना SC ST OBC ने जो एक संयुक्त रूप से है ना जो आह्वान किया है, वो हमारे है ना समाज, मूल्यवादी समाज के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाले समय में जो बहुजन समाज है, जो मूल्यवादी समाज है, वो अपने ना अपने लोग अपने मुकाम पे पहुंचेगा। ये मेरा कहना है कि एकजुट रहो, एक साथ रहो और संघर्ष करो, आगे बढ़ो। सर, सत्ता परिवर्तन से ही सर सब कुछ होता है ऐसा माना जाता है, तो सत्ता किस तरह से हम परिवर्तित करेंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव हो पाएगा, क्योंकि आज हमारी संख्या जिस हिसाब से है ना 15% से लेके 22% और 22 के बाद 52 जुड़ा हमारे साथ, आज 85% हो गई है, और जो हमारे देश की ना महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हमको मिलेगा, तो हम स्वाभाविक है कि सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन का जो आगाज आज जो कार्यक्रम आपके बीच में, ये सत्ता को परिवर्तन की ओर, दिशा की ओर ले जा रहा है, और आने वाले समय में मूल निवासी हमारा शासक होगा। क्या ये 85% की जो बात कर रहे हो आप, क्या ये 85% का समर्थन इस सम्मेलन को है? बिल्कुल, 85% का प्रतिनिधित्व हमारे सम्मेलन में है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, और आने वाले समय हमारा है और कल हमारा रहेगा। जय भीम, क्या कहना चाहती हूँ आज के सम्मेलन के माध्यम से? सर, मैं सम्मेलन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो सवर्णों से सदियों से हम लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, आज SC ST और OBC जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जाग गए हैं और एक हो गए हैं। अब हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, और सत्ता पर हम जो मूल निवासी हैं, हम ये राज करेंगे, और ये जो 15% सवर्ण हैं, इनको देश से बाहर निकालेंगे। क्या पूरे देश में ये हो पाएगा कि SC ST OBC जो 85% ताकत है, क्या ये संगठित हो पाएगी और 19 में सत्ता परिवर्तन हो पाएगी? हमने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, मध्य प्रदेश इसका नज़ीर बनेगा कि SC ST और OBC प्लस माइनॉरिटी साथ होकर हम यहाँ सवर्ण को तो जीतने नहीं देंगे किसी भी हाल। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी सवर्ण को हम वोट ना दें। कुमार वर्मा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय OBC महासभा। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की देश की जनता से कि जो है हमारा भारत में OBC के लिए पंच में, सरपंच में, जनपद में, जिला पंचायत में, नगरीय निकाय में, नगर पालिका, नगर निगम में, सभी जगह आरक्षण दिया हुआ है, परंतु हमारे साथ में अन्याय ये किया जा रहा है कि जनरल की सीटें हैं, ST की सीटें हैं, ST की सीटें हैं, परंतु लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में एक भी सीट, कोई माइका लाल बता दे कि एक भी सीट आरक्षित कर हो तो OBC महासभा उसका समर्थन करेगी, परंतु OBC महासभा में OBC के वर्गों को कोई भी लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, संविधान के अनुच्छेद 340 में 15(4)-16(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 15(4)-16(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी
उसके बावजूद भी हम 54% भारत में रहने के पश्चात भी हमारी हिस्सेदारी ना ही लोक ना ही कार्यपालिका ना ही विधायिका ना ही न्यायपालिका ना ही मीडिया ना ही सेना हमें ना ही हमारे अधिकारी कर्मचारियों में प्रमोशन और पदोन्नति की भर्ती नहीं किया गया। ऊपर से हमारे साथ में कोई कानून ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्रिमिनियर शब्द जोड़ दिया है। मैं उदाहरण देता हूँ मध्य प्रदेश में कि तमिलनाडु में 50% OBC का आरक्षण है, परंतु मध्य प्रदेश में मात्र 27% आरक्षण वो भी है, तो उसमें भी क्रिमिनियर शब्द जोड़ दिया गया है। क्रिमिनियर जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन से कानून में लिखा है ऐसा कि क्रिमिनियर है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे लिए हमारे जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको क्रिमिनियर माना है, जिनकी 5 लाख की आय है और एक छोटे से वकील जो तहसील में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को भी क्रिमिनियर माना है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, उनको आप क्रमोन्नति पदोन्नति नहीं है। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, यहाँ मध्य स्टेट के राज्यपाल महोदय जी से कि आप जो हैं जो इन लोगों को क्रिमिनियर शब्द को हटाएं और हमारे OBC को लोकसभा में राज्यसभा में विधानसभा में प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि आज जो है हम लोग 85% हैं ST SC और माइनॉरिटी मिलाकर के OBC मिलाकर के 85% है और मात्र राज कर रहे हैं 15% लोग, मात्र 3.5% ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, जिसमें RSS में जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2017-18 की उठा के देख लेंगे तो उसमें सिर्फ सवर्ण समाज मिलेगा, OBC ST SC का एक भी कार्यकारिणी का सदस्य नहीं है, ना ही कोई पदाधिकारी है। तो भाई हमारे साथ कहाँ का न्याय हुआ? चलो हमें लोकसभा में नहीं दिया, विधानसभा में नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, तो हमें कम से कम पार्टी में कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, BSP हो, जनता दल हो, कोई भी पार्टियाँ हो, उसमें भी हमें ना ही आज तक लोधी जो है जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ना ही कोऑपरेटिव सदस्य का अध्यक्ष बनाया गया, ना ही मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया, ना ही हमारे किसी ऐसे पद महत्वपूर्ण पद या कोई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हो, परंतु हमारा जो आज लालीपॉप OBC को दिया गया है कि हमको पिछड़ा वर्ग का हमने आयोग बना दिया, आयोग में आज क्या है? आयोग में ना ही अध्यक्ष है, ना ही सचिव है, ना ही कोई सदस्य है, उसके बाद हमको चुनाव के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर इसलिए हम लोग सब हैं ST SC OBC सब लोग ने माइनॉरिटी, हमने निर्णय लिया है, पूरे भारत में निर्णय लिया है कि अभी वर्तमान में 3 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें जहां ST की सीटें हैं वहां ST और OBC मिलकर के सहयोग करेगा, और जहां पे ST की सीटें हैं वहां पे ST और OBC मिलकर सहयोग करेगा, और जहां OBC ये सीट नहीं है मगर जनसंख्या ज़्यादा है, जनरल की सीट है उसके, उसमें हम SC और ST OBC के कैंडिडेट को सहयोग करेगा। इस प्रकार हम लोग जो हैं अपना वो कर रहे हैं, गाँव स्तर पर हम लोग जिला मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कोर कमेटी है, मध्य प्रदेश में कोर कमेटी है, जिला स्तर पर कोर कमेटी है, तहसील स्तर पर कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी सभी जाति के लोग उसमें समाहित है OBC में, वो लोग जो है निर्णय करेंगे कि इसमें से कौन अच्छा योग्य प्रत्याशी को हम मौका देंगे और उसमें हम जिता के लेके आएंगे। SC ST OBC को सहयोग करेगा, OBC SC ST को करेगा, और SC के लिए ST और OBC मिलकर के सहयोग करेगा। ऐसे हम सब मूल निवासी हैं, ये जो सवर्ण लोग हैं ये भारत में बाहर से आए हैं, हम लोग द्रविड़ हैं, द्रविड़ मतलब मूल निवासी हुआ। मैं एक प्रश्न और कहना चाहता हूँ या आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि मनुस्मृति किसने लिखा? पुष्य शुंग मित्र जो था उन्होंने मनुस्मृति लिखा, उन्होंने 4 वर्ण बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आप उसने बोला कि ब्रह्मा के मुख से आप पैदा हुआ, क्षत्रिय के नाभि से हुआ, और जंगा से जो है वैश्य पैदा हुआ, और शूद्र जो है पैरों से हुआ, ये कहाँ बताते हैं? आज पहले हमारे दादा परदादा ने कर लिया, परंतु हम लोग जान चुके हैं, हमारे बच्चे जान चुके हैं, आगामी पीढ़ी जानेगी उसको कि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो माँ के गर्भ से 9 महीने में पैदा होता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी से होगा या कृत्रिम गर्भाधान से होगा। परंतु मैंने कई पंडितों से पूछा, आप कहाँ से पैदा हुए भाई साहब बताइए? उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हूँ। और छत्री से पूछा कहाँ से लिया? उन्होंने बोला कि मैं माँ के पेट से जन्म लिया हूँ। फिर छत्री वैश्य से पूछा आप कहाँ से जन्म लिए? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने माँ के पेट से जन्म लिया हूँ। तो मुझे बता दो कि मुख से कहाँ पैदा हुआ, बोमली से कहाँ पैदा हुआ, जंगा से कहाँ पैदा हुआ? ये सिर्फ जो है जो 3% लोग हैं पूरे भारत में, ये लोगों जो है कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, और ये जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी हमें मानसिक गुलाम बना के रखा हुआ है, हमारे OBC के वर्ग जो लोग हैं उनके मानसिक गुलाम बने हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो मानसिक गुलामी की दास्ता से अलग हट करके हम सब समाज एक एक हो जाएं, हम मूल निवासी जिंदाबाद, जय भीम, जय अवंती, जय OBC। जो खिलवाड़ हो रहा है संवैधानिक मर्यादाओं के साथ, हम उसका घोर निंदा करते होंगे और आने वाले समय में शिवराज मामा को हम सबक सिखा देंगे। इसलिए हम
मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, भारत के संविधान के साथ, गरीबों के साथ छेड़छाड़ न करें, इन्हीं शब्दों से जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा का ये महासम्मेलन है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज का ये जो सम्मेलन है उस सम्मेलन की और सम्मेलन की तरफ वो किस तरह से देखते हैं। सर, ये जो सम्मेलन हो रहा है, क्या नजरिया है आपका, किस तरह से देख रहे हैं इस सम्मेलन की ओर? जय आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये आंदोलन निश्चित ही लोगों के 70 सालों की जो यातनाएं जो झेली है एसटी एससी और ओबीसी ने, उनके लिए निश्चित ही कारगर साबित होगा। और चूंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ किया जा रहा है और इससे बदलाव होना चाहिए, एटोसिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, दबाव बनाने की राजनीति है, इसके लिए बिल्कुल एसटी एससी ओबीसी साथ में रह के संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे, निश्चित हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। क्या आप 2019 में ऐसी पार्टी को वोट देना चाहोगे जो एससी एसटी एक्ट के विरोध में है, आरक्षण के विरोध में? निश्चित ही हम बिल्कुल ऐसी पार्टी को वोट करना चाहेंगे जो हमारी विचारधारा के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे और ऐसी पार्टी को हम देखना चाहेंगे जो एसटी एससी ओबीसी के समर्थन में कार्य करे और हमारे अधिकारों का संरक्षण करे। कि जो विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस पार्टी को हम उस पार्टी को वोट देंगे जो एस सी एस टी ओ बी सी के पक्ष में अपना निर्णय करेंगे, अपनी त्वरित जो 1,00,000 पदों की भर्ती करेगा और इस समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करेंगे उसके लिए मैं समर्थन करता हूं, उस पार्टी को वही वोट दूंगा, अन्यथा दूसरी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। कहाँ से आए हैं आप? हरदा जिले से आया सर। आप कहाँ से आए सर? हरदा जिला। क्या कहना चाहते हो? जो एस सी एस टी एक्ट का विरोध करेंगे, कदापि हम उन्हें 2019 में हम उनका विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं विदिशा से आया हूं और मुझे ये अपना एस सी एस टी ओ बी सी का महासम्मेलन देख कर बहुत अति खुशी हुई। आज हम 5,000 वर्ष से दबे कुचले लोग हैं और 15% हम पर राज कर रहे हैं और हमें हमारी समाज को कुरूतियों से जगड़ रखा है और हम इसी भीम, जय भीम और भारत के संविधान के साथ हैं और रहेंगे। क्या आप 2019 में ऐसी पार्टी को वोट दोगे जो एस सी एस टी एक्ट का विरोध करता है और आरक्षण का विरोध करता है? हाँ, हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे संविधान का रक्षा करे और हमारी ओबीसी और एस टी एस सी रक्षा करे और हम सवर्ण समाज को कभी वोट नहीं देंगे। जी, यानी कि जो विरोध करता है आरक्षण का उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे। आप कहाँ से हैं सर? मैं शाजापुर से हूँ। क्या कहना चाहते हैं आज के इस सम्मेलन से? ये सम्मेलन में ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम जो आरक्षण के लिए लड़े लड़ने आए हैं, हम आरक्षण छोड़ देंगे, इन बनिया मामा इनकी बहन बेटियों नालियां साफ करे वो नगर पालिका काम ले लेगा, हम आरक्षण छोड़ देंगे, हमारा यह कहना है। ये सत्ता परिवर्तन का दौर अभी शुरू है, 2019 में अभी इलेक्शन है, तो आप क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहोगे जो आरक्षण और एस सी एस टी एक्ट का विरोध करता है? बिल्कुल उसी पार्टी को हम वोट देंगे, पूरा दलित वर्ग पूरा उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारा एस सी एस टी का सपोर्ट करेगा, जो हमारी एस सी एस टी की धारा है जो बरकरार रखेगा, हमारा जो आरक्षण है बरकरार रखेगा, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। जो विरोध करते हैं उनको नहीं देंगे? विरोध वाले को तो एक वोट भी नहीं देंगे, देने भी नहीं देंगे, हमारा जेब से घूमेंगे और हमारा लोगों को जगाएंगे, इन लोगों को वोट देना ही नहीं है। आप कहाँ से आए भैया? राजगढ़ से। हम ये कहना चाहते हैं जो एस सी एस टी एक्ट का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को वोट नहीं देंगे, ना देंगे ना देने देंगे, और हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन लोगों को कभी वोट नहीं देंगे, ना कहीं लोकसभा में भेजेंगे ना विधानसभा में भेजेंगे, ये हम सब लोगों का संकल्प है। आगे। क्या कहना चाहते हैं आज? मेरा ये है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उससे मेरा निवेदन है और ये सुझाव है कि वो जिस प्रकार से नोटबंदी के लिए अध्यादेश ला सकती है उसी प्रकार से पूरे भारत में जाति विहीन समाज की रचना करके भारतीय केवल हर व्यक्ति का पंडित शर्मा वर्मा कर्मा सारे सरनेम हटा दे और केवल एक चीज भारतीय लिखना चालू करे और ऐसा आदेश ला दे कि जिससे किसी भी समाज में छुआछूत और भेदभाव और जाति की रणनीति उत्पन्न ना हो, सभी को एक समान एक नागरिकता के में जोड़ के सारी जातिवाद खत्म करें, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?
ऐसा करने में क्या परेशानी है? इनको वोट नहीं मिलेंगे इसलिए, तो इसलिए भाई भाई को लड़ा रहे, जाति जाति में लड़ा रहे, ओबीसी को एससी एसटी से लड़ा रहे, ओबीसी को सामान्य से लड़ा रहे, ये सारी राजनीति वोटों के लिए कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से नोटबंदी एक दिन में हो सकती है, ऐसा ही भारत में से एक दिन में जातिवाद खत्म हो सकता है, और हम उन्हीं लोगों का सपोर्ट करेंगे जो जातिवाद खत्म करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इस देश में जो समता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें समता प्रदान करता है, उस समता की बात लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और 2019 में लोग उस पार्टी को वोट नहीं देंगे यहाँ पर जो सम्मेलन में आए हैं, जो पार्टी SST एक्ट या फिर आरक्षण का विरोध करती है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।